हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अब्दुल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग वीआरएफ सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं। ये वीआरएफ सिस्टम का पार्ट थ्री है। जैसा कि हमने इसके पहले दो वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें फर्स्ट में वीआरएफ का इंट्रोडक्शन कब बना और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, रेफरेंस साइकिल क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, और दूसरा टाइप्स ऑफ वीआरएफ में हम बताए हैं आपको कितने तरह के आते हैं। जिस तरह से होता है कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम, दूसरा हीट पंप वीआरएफ सिस्टम, और तीसरा होता है हमारा हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम। तो कूलिंग टाइप वीआरएफ सिस्टम का पार्ट टू वीडियो है, जो आप उसको जरूर देखें। तो आप पार्ट वन पार्ट टू आप देखेंगे तो क्या है, ये वीडियो को समझने में आपके लिए आसानी होगा। जो ये हमारा हीट पंप वीआरएफ सिस्टम है, ये कैसे काम करता है, कि बहुत सारा कुछ इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा डिवाइस लगाए हुए रहते हैं उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि ड्रॉइंग एक साथ सब डाल देंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे अपना इसमें एक्यूमुलेटर वगैरह है, ऑयल सेपरेटर है, अपना रेफिनेट है, बाकी जो भी मतलब जो ऑप्शनल है जो बाकी सिस्टम यूज करते हैं, तो वो चीज को हम हटाए हुए हैं आपको इस ड्राइंग को समझाने के लिए। तो हीट पंप वीआरएफ सिस्टम का आप ड्राइंग देखने से पहले वो दो जरूर देखें तो इजी समझ में आएगा। तो हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। हीट पंप वीआरएफ सिस्टम में कूलिंग साइकिल होता है और हीटिंग साइकिल होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि गर्मी के दिनों में आप ठंडा इससे आप प्राप्त कर सकते हैं और ठंडी के दिनों में आप इससे गर्मी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कूलिंग टाइप सिस्टम में यह चीज नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कूलिंग आपको उससे मिल सकता था। तो मान लीजिए कि आपने 20 इंडोर यूनिट लगाया हुआ है, तो उसमें या तो गर्मी के दिनों में आप 20 का 20 कूलिंग ले सकते हैं, या ठंडी के दिनों में आप 20 का 20 को हीटिंग ले सकते हैं। मतलब कि एक बार में आप दो फंक्शन उसमें नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज हीट वीआरएफ सिस्टम में नहीं है। आप अगर हीट मोड में चला रहे हैं तो जितना भी इंडोर यूनिट उससे आप कनेक्टेड किए हैं तो सब हीट मोड में चलेगा, या तो फिर कूल मोड में चला रहे हैं तो सब कूल मोड में चलेगा। बट हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम में क्या होता है, हीट एंड कूल जो है एक साथ आपको मिलता है, वो भी हम वीडियो आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर कंप्रेसर है, ओके, ये हमारा कंप्रेसर हो गया, और दूसरा ये 4-way रिवर्सिंग वाल्व है यहाँ पे लगाया हुआ, ये हमारा कंडेंसर है आउटडोर यूनिट, ये आपका नल रिटर्न वाल्व यहाँ पर लगाया हुआ है NRB, जिसका फुल फॉर्म होता है नल रिटर्न वाल्व, EEV इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व बोलिए या डिवाइस, दोनों सेम चीज है। उसके बाद हमारा इधर में इंडोर यूनिट्स लगा हुआ है, यहाँ पर भी NRV डाला हुआ है, फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व इधर भी लगाया हुआ है। इसको आप कूलिंग कॉइल नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज ये अपना ठंडी के दिनों में गर्मी का काम करता है, कंडेंसर का काम करने लगता है, और गर्मी के दिनों में ये कूलिंग का काम करता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसको जानिए, इंडोर यूनिट्स हमारा इंडोर कॉइल्स लगाए हुए हैं, इधर में हमारा आउटडोर कॉइल लगाए हुए हैं। तो अभी हम कूलिंग साइकिल को स्टडी करेंगे। तो ये हमारा कंप्रेसर है, जैसा कि आपको मालूम है इन्वर्टर टाइप हम लोग स्क्रोल कंप्रेसर यूज करते हैं इसमें, और ये हमारा VFD के जरिए रन होता है, जिसके वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर, जो अपना लोड के हिसाब से RPM को घटाता है और बढ़ाता है। बाकी हमारा ये कंप्रेसर में दो लाइन आपको मिलता है, एक डिस्चार्ज लाइन और एक सक्शन लाइन। तो यहाँ कंप्रेसर से जो ये निकला हमारा डिस्चार्ज लाइन, ये अपना हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर सुपरहीट वेपर रेफ्रिजरेंट सुपरहीट का कंडीशन में ये रहता है। अभी ये जो लाइन यहाँ से आ रहा है तो ये क्या होगा, 4-way रिवर्सिंग वाल्व में आएगा, जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकला ये 4-way रिवर्सिंग वाल्व में हमारा इंटर करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ये ऑटो सिस्टम में सिलेक्ट रहता है, अभी जो भी आ रहा है ऑटो सिस्टम में आता है, हीट मोड में चलना है कि कूलिंग मोड में चलना है, जैसा आप इसको डिमांड दिए हुए रहेंगे उस हिसाब से ये वाल्व को सिलेक्ट करेगा। तो अभी हम लोग कूलिंग साइकिल का स्टडी करें तो कूलिंग साइकिल के बारे में जानते हैं। तो क्या होगा, ये जो हीट है ना, H लिखा हुआ है और C से कूलिंग, तो ये हीट वाला लाइन जो है ये बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और कूलिंग का जो लाइन है ये हमारा ओपन हो जाएगा। और जब हमारा हीटिंग का जरूरत पड़ेगा रूम में, उस टाइम क्या होगा, हमारा कूलिंग का लाइन क्लोज हो जाएगा और हीटिंग का लाइन हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये कैसे वर्क करेगा वो हम आपको बताएंगे, फिर NRV कैसे वर्क करेगा। तो हम इस चीज को हटा देते हैं, ये जो है ना हीटिंग भाग को हटा देते हैं, जो आपको समझने में आसानी होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने जो 4-way रिवर्सिंग वाल्व है हमारा, उसमें हमारा दो हमारा हीटिंग वाल्व लगा हुआ था, दो कूलिंग वाल्व। तो हीटिंग वाल्व को हम हटा दिए हैं, जो आपको समझने में आसानी होगा। ये क्या, अब इधर से जो रेफ्रिजरेंट है हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट का जो हमारा रेफ्रिजरेंट है,
ये हमारा एंटर करेगा फोरवेरी वर्सिंग भाग में। अब यहाँ से क्या है, पुलिंग भाग से होते हुए ये आगे जाएगा किधर, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जो हमारा क्या होता है रेफ्रिजरेंट, वेपर से लिक्विड में बनता है। यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर होता है अपना एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा होता है, जिसके चलते हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंस हो जाता है, वेपर से लिक्विड में बन जाता है। उसके बाद वेपर से लिक्विड में बनने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब और यहाँ पर एनआरबी लगा हुआ है। तो ये जो एनआरबी का मतलब होता है नॉन रिटर्न भल्ब, मतलब ये वन वे इसको भल्ब बोला जाता है, ये एक बगल से इसमें जाने का रास्ता है, ये रिटर्न इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन डिवाइस को बाईपास करते हुए ये हमारा नॉन रिटर्न भल्ब से रेफ्रिजरेंट जो है आगे इधर आएगा। समझ गए, लाइन देख रहे हैं ना, ये हमारा किधर आया, ये इंडोर यूनिट में आया। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडोर यूनिट लगाया हुआ है, तीन हम लोग इंडोर यूनिट लगाए हैं, जो मल्टीपल हम लोग इंडोर यूनिट यूज कर सकते हैं, बहुत सारा 60 से ज्यादा हम लोग इंडोर यूनिट को यूज इसमें कर सकते हैं कॉमन आउटडोर यूनिट होने के बाद एयर सिस्टम में। तो अभी जो हमारा ये आया लाइन लिक्विड लाइन, तो यहाँ पर देख रहे ना एआरबी का जो रोटेशन है ये डिफरेंस रोटेशन में है। अभी जो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो ये हमारा आ रहा है, यहाँ पे एनआरबी लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब भी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब से जो है ये रेफ्रिजरेंट को आगे इंटर कराएगा, क्योंकि यहाँ पर एनआरबी का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में है। तो ये हमारा एनआरबी क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इंटर करता है। तो यहाँ पर एनआरबी में नहीं जाएगा और यहाँ से रेफ्रिजरेंट जो है अपना इंडोर यूनिट में इंटर करेगा। ठीक है, उसी तरह से ये लाइन आगे गया, सेम इस तरह से एनआरबी को बाईपास करते हुए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब से अंदर जाएगा, फिर एनआरबी में यहाँ पे नहीं जाएगा, क्यों, डिफरेंस रोटेशन में इसको लगाया गया है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब से अंदर जाएगा। अब इसके अंदर आपको मालूम है सेंसर लगाया हुआ रहता है, सेंसर जितना रूम का डिमांड रहेगा जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये यहाँ पर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराता है। और यहाँ पे आसपास रखी हुई जो भी वस्तु है, इंडोर यूनिट में हमारा क्या होता है कि आसपास रखी हुई जो भी वस्तु है, इंसान या एवरीथिंग जो भी चीज रखा हुआ है, आसपास से हीट लेकर के रेफ्रिजरेंट यहाँ पे अपने आप को बॉइल कर लेता है। ठीक है, और वो वेपर कंडीशन में बन जाता है। तो वेपर कंडीशन में बनने के बाद इधर मैं आगे आया, ठीक है, ये लाइन से आगे निकला, फिर इसमें भी सेम कंडीशन सेम सब में इस तरह से आगे निकलेगा। अब फिर वापिस से ये जितना भी लाइन है ये सब में रेफरेंट यूज किया हुआ रहता है, जहां पे दो लाइन को कनेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर रेफरेंट यूज करते हुए आगे निकला और ये वेपर का रेफ्रिजरेंट जो है ये इस तरह से एरो का निशान आप देख रहे हैं ना, इस तरह से ये आगे जाएगा। आगे जाने के बाद ये वापिस यहाँ पे सक्शन लाइन में ये आ गया, ये हमारा हो गया सक्शन लाइन, ये हमारा हो गया डिस्चार्ज लाइन। और सेम इसी तरह से हमारा जो फंक्शन है ये कूलिंग साइकिल इस तरह से हमारा काम करते रहता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे हीटिंग साइकिल के बारे में। तो हीटिंग साइकिल का हम यहाँ पर हीटिंग का बल्ब लगाते हैं और कूलिंग बल्ब को हम क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमारा सेकेंड केस में क्या होगा, ये जो यहाँ पे कूलिंग का जो बल्ब लगा हुआ था ये हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, और हीटिंग वाला बल्ब जो है ऑटो सिस्टम में ये हमारा ओपन हो जाएगा, ये देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ भी चेंज ओवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो इन्वर्टर टाइप जो कंप्रेसर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ से जो डिस्चार्ज करेगा ये यहाँ से ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये पहले कूलिंग सिस्टम में क्या था कि ये वाला लाइन ओपन था ये वाला क्लोज था, तो जिसके जरिए रेफ्रिजरेंट इधर से होते हुए हमारा आउटडोर कंडेंसर में जा रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा इस ये केस में कि कूलिंग वाल्व को क्लोज करेगा तो ये रेफ्रिजरेंट जो है हमारा इस तरह से आगे पास करेगा। ठीक है, इस तरह से ये जो है इस तरह से पास करेगा और ये वापस इधर आते हुए ये हमारा किधर जाएगा, इंडोर यूनिट में जाएगा। यहाँ पर हमने इंडोर यूनिट लगाया हुआ है इंडोर कॉइल, तो ये इंडोर कॉइल में इंटर करेगा और इंटर करने के बाद यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब को बाईपास करेगा, क्योंकि एनआरबी का लाइन जो है हमारा यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, मतलब इससे रेफ्रिजरेंट जो है पास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन भल्ब यहाँ पर नहीं काम करेगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से होते हुए रेफ्रिजरेंट आगे आएगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा ये भी जो रेफ्रिजरेंट इधर से आ रहा है हीटिंग रेफ्रिजरेंट ये इधर एंटर करेगा, वापस एनआरबी से पास करेगा, वापस यहाँ पर इस तरह से आएगा और यहाँ पे जो है रूम का जो कूलिंग है, कूलिंग और हीटिंग मिल करके वहां पर जितना टेम्परेचर सेट के रहेंगे उस हिसाब से हमारा टेम्परेचर रूम के अंदर हमको मिलेगा।
तो उस टाइम हमारा इस तरह से हीटिंग मोड काम करता है और रूम हमारा हीट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आगे निकला। अब ये वापिस क्या है, एक लाइन में आएगा कि यहाँ पर रेफनेट से यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ रहता है, जो है ना वो ब्लॉक डायग्राम में जो पहले हम पार्ट वन पार्ट टू बनाया है उसमें हम दिखाए हैं। अभी यहाँ पे जो है इस लाइन में सब एक लाइन में कनेक्ट हो गया वापिस जो रेफ्रिजरेंट है। अभी ये जो रेफ्रिजरेंट है किस कंडीशन में हो जाएगा, पहले से यहाँ वेपर से आया था ना, तो वेपर से होने के बाद अब जो रेफ्रिजरेंट है यहाँ पर लिक्विड फॉर्मेट में हो जाएगा कंडेंस होने के बाद। अब ये लाइन जो है सीधा किधर आएगा, इधर आएगा। इधर आने के बाद जो है यहाँ पर देखिए एनआरवी का जो फंक्शन है, एनआरवी यहाँ पर दूसरे लोकेशन में डाला हुआ है, मतलब ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है एनआरवी से नहीं जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन हब से हमारा रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा, क्योंकि जो हमारा कूलिंग सिस्टम है एनआरवी से यहाँ पर बाईपास कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन हब यहाँ पे काम कर रहा था। बट इस ये सिचुएशन में हीटिंग वाला में क्या करेगा, यहाँ पे एनआरवी को बाईपास करते हुए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन हब से रेफ्रिजरेंट आगे जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आउटसाइड जो हमारा जो लगाया हुआ है आउटडोर यूनिट, वो बाहर का गर्मी को एब्जॉर्ब करके और इसको रेफ्रिजरेंट को वेपर कंडीशन में हो जाएगा और वापस ये हमारा सक्शन लाइन में यहाँ पे कंप्रेसर में आ जाएगा। तो ये जो हमारा हीटिंग साइकिल है इस तरह से चलते रहता है। आई होप कि आपको हीट पंप वीआरएफ सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम हीट रिकवरी वीआरएफ सिस्टम बताएंगे, जिसमें आप एक ही टाइम में एक ही वक्त में आप पांच, अगर 10 इंडोर यूनिट लगाए हुए हैं तो 5 में आप कूलिंग ले सकते हैं, 5 में हीटिंग ले सकते हैं, तो उसका डायग्राम अलग है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। आप अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।